कोई कीमत नहीं पाई जा सकती, जिवें परमात्मा की कोई कीमत नहीं, परमात्मा के नाम की कोई कीमत नहीं, इस तरह फिर परमात्मा के नाम जपण वाले की भी कोई कीमत नहीं पाई जा सकती, वो अमुल हो जाता है। गुरु नानक देव महाराज कहते ने इस तरह भाई उसके कमां कारां विचों नाम की झलक मिलती है, मन वचन बाणी कर्म करके वाहिगुरु के नाम जिहड़े जपते हैं फिर उन्होंने रहन सहन कहन बोल बाणी तो ही भली प्रकार पता चलता है। तो जिहड़े नाम तो सखणे हैं भावें उन्होंने सच्चे गुरु का भी पहरावा पहनया होया है पर उन्होंने करतूतों तो पता चल जाता है ये कच्चे हैं अधूरे हैं पखंडी हैं। तो इस करके इस तरह पहचान करके गुरु जी कहते ने समझाते ने भाई कच्चे का साथ छड़ो ते सच्चे की संगत करो, इस तरह ये फिर तुहाडे सारे अंग ही कर्म इंद्रे ही पवित्र हो जाएंगे। अखां जिवें गल आई है, कन्नां दी गल आई है, जीभ दी गल आई है, सो इस तरह हाथ भी मनुखता की सेवा करके पवित्र हो जाते हैं। गुरु हुण अमरदास महाराज जी की उच्चारण की हुई पौड़ी की रंभता हो रही है। पौड़ी इस युग मह नाम निधान है, नामो नाल चल। गुरु अमरदास जी कहते ने इस जुगत दे विच पाव जग दे विच जो कलयुग का समा चल रहा है इस विच नाम ही असल खजाना है मनुख दे। ये नाम ही मनुख दे नाल लोक तो परलोक की यात्रा वेले नाल निपदा है, बाकी सब कुछ इत्थे ही रह जाता है। इस गल दी हर एक नूं भली प्रकार जानकारी भी है पर नाम ना सिमरन करके फिर भी माया दे झूठे जाल विच मनुख फस जाते हैं। जिहड़े नाम जपते हैं वो फिर इस भरम जाल विचों माया दे विचों निकल जाते हैं, नाम नूं ही असली खजाना समझते हैं ते जिहड़ा नाल निपदा है। इसलिए नाम नूं गुरु अमरदास जी कहिंदे ने भाई जपिया जाए वध तो वध। फिर गुरु जी इस दी होर विशेषता वडियाई दसदे हन, इह अखुट कहिंदे इह कदे मुकदा नहीं है, कदे ना निखुटई, कदे भी इस विच खजाने विच कदे घाटा नहीं पैंदा। खाई खर्चो पल्ले, भावें खाई जाओ भावें खर्ची जाओ यह मुकदा नहीं घटदा भी नहीं सगों वधदा ही जाता है। इसलिए खाए का अर्थ है आप नाम जप के आनंद प्राप्त करना, खर्चो का अर्थ है दूजियां नूं जपाना, जदों दूजियां नूं जपाना उन्हां दा भी भला ते जदों जपाया जा रहा है क्योंकि नाल फिर जपिया भी जा रहा है फिर अपना भी भला। इस तरह जपना ते जपाना दोनों फर्जा नूं निभांदिआं अपना भला दूजे दा भला करके उस वाहिगुरु दी खुशी नूं प्राप्त कीता जा सकता है। गुरसिख का यह फर्ज है जपना भी ते जपाना भी। जो गुरु रामदास महाराज जी का बचन आप गौड़ी की वार दे विच पढ़ते हाँ, जो महाराज का शब्द है गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ते आवै, उदम करे भल के प्रभाती इशनान करे
अमृत सर नहावै। ये शब्द अखीरली पंक्ति विच गुरु रामदास जी आखते हैं, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावै। जिहड़ा आप जपदा है दूजे नूं जपांदा है, गुरु रामदास जी कहिंदे ने मैं उस गुरसिख दे चरणां दी धूड़ मंगदा हाँ। किन्नी वडियाई महाराज ने बख्शी है। सो इस करके खाए खर्चे पल्लै, गुरु अमरदास जी आखते हैं, कदे नहीं घटेगा कदे नहीं मुकेगा, इहो जिहा इह नाम खजाना है। फिर अगली पंक्ति विच महाराज कहिंदे हन, नाम की वडियाई दसते हुए, हर जन नेड़ ना आवई, जम कंकर जम कलै। जिहड़ा हरि दा नाम जपदा है उस हरि दे सेवक दे नेड़े जां ना तां जम आंदा है ना जम कंकर जम दा दूत कोई भी नहीं आंदा। ये दुख देण वाले हन, नास्तकां दे कोल नाम तो टुटे होयां कोल जांदे हन, दुख देंदे हन, पर हरि दे सेवक दे नेड़े नहीं आ सकते। नाम दा इन्ना प्रभाव है, नाम दी इन्नी शक्ति है कि हरि जनां नूं इह दुख नहीं दे सकते। सो इस करके गुरु अमरदास जी कहिंदे ने, भाई फिर क्यों ना उस परमेश्वर दे नाम नूं जपिया जाए जिस दे राही हरि परमेश्वर रसां दे घर दे नाल मिलाप हुंदा है। साध संगत जी गुरु महाराज फिर अगे आखते हैं, से शाह सच्चे वन जा रहा, जिन हर धन पल्लै। जिन्हां दे कोल हरि दा धन है, हरि दा नाम जपिया होया है, कहिंदे ओह असल विच शाहूकार हन, अमीर हन बहुत असल विच। ते ओ फिर वणज भी करदे हन नाम दा, जपांदे भी हन जपदे भी हन। जिन्हां दे कोल ए हरि धन है ओ वड्डे वड्डे बादशाह तो भी अमीर हन, असली शाह हन। इहो जिहां दे सन्मुख वड्डे वड्डे बादशाह आ के पैरां ते मत्था टेकदे हन, वड्डे वड्डे अमीर पैरां ते झुकदे हन, वी जिहड़ा सुख तुहाडे कोल दुनियावी धन होण दे बावजूद भी साडे कोल है नहीं, तुसीं किरपा करो इह साडे कोल भी सुख होए। महाराज कहिंदे ने, बादशाह शाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। जिसने इस महारस नूं पीता, जिसने इस नाम नूं जपिया, उहदे मतहत वड्डे वड्डे शाह बादशाह परमेश्वर कर दिंदा है। उहदे चरणां ते आ के वड्डे वड्डे झुकदे हन, सलामां करदे हन। सो इह हरि दे नाम दी वडियाई गुरु अमरदास महाराज जी दस रहे ने। हुण जिहड़े नहीं जपदे गुरु महाराज ने उन्हां दे बारे भी कुछ बाणी विच समझाया, हर का नाम जिन मन ना अराधा, चोर की न्याई जम पुर पांदा। फिर जम दे वस पैंदे ने, ओ चोर दे वांग जम उहनूं सजा दिंदा है। जिवें चोर चोरी करदे मौके ते पकड़िया जाए, पहलां तां लोक इकट्ठे हो के उहनूं बहुत कुटदे ने, फिर पुलिस दे हवाले कर दिंदे ने, फिर पुलिस कुटदी है, फिर कैद हो जांदी है। इस तरां कहिंदे जिहड़े नाम नहीं जपदे उह जमां दे वस पैंदे हन, फिर जम उहनां नूं दुख दिंदा है, उह फिर दुखी हुंदे हन, पछतांदे हन।
ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਿਨ ਮਨ ਅਰਾਦਾ, ਚੋਰ ਕੇ ਨਿਆਈ ਜੰਪੁਰ ਵਾਧਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵ ਹੈ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਜਮ ਉੱਪਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਉ ਸੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚੋਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਮ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਫੇਰੀ ਲਗਾਓ, ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਪਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮ ਸੀ ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਟ ਦੇਖ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਬਿਰਲਾ ਪੂਜੈ ਕੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪੀਏ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਜਾਏ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ।